से भी वहीं से ही कर दो ना। तो फ्रेंड्स वागर इंटरनेशनल का एक और आउटलेट है, चलिए हम वो भी कवर करते हैं। नहीं नहीं जॉब फ्रेंड्स देख सकते हैं, दिस बहुत ही ह्यूज वैरायटी के फरसान्स पड़े हैं फ्रेंड्स। यही है वागर इंटरनेशनल का जो एक फरसान सेक्शन है। नमस्कार सर। ओके सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग। आपका नाम सर? यूसुफ शेख। यूसुफ शेख, यूसुफ जी मुझे बताइए आपके इस फरसान सेक्शन में क्या क्या है और क्या क्या कौन सी स्पेशलिटी है आपकी? स्पेशल बोल तो फैंसी में ये हो गया, थोड़ा डिफरेंट डाइट चख लिए। ओके, मूंग दाल का नॉन फ्रेंड चख लिए, टेस्ट कीजिए। ओके, ऑयल नहीं आएगा, विदाउट ऑयल है। ओके, बाकी डिफरेंट में ये नाचनी की डाइट चख ली, रागी बोलते हैं, बोले तो दो लैंग्वेज में रागी बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं। ओके, इसमें भी ऑयल नहीं आएगा, नॉन ब्रेड है। ये विदाउट ऑयल रहती है? हाँ यस, ओवन में बनी हुई है, ऑयल नहीं आएगा। अच्छा, 2 मंथ लाइफ है इसमें, क्वालिटी बढ़िया है। ओके, एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको पसंद आएगा जरूर। दिस डिफरेंट सेजवान पीनट, सेजवान कोटिंग किया हुआ है बेसन का, ये नॉन फ्रेड है, ये भी नॉन फ्रेड है, फैंसी आइटम है एकदम, विदाउट ऑयल, ड्रिंकिंग वगैरह के लिए भी बहुत ट्रेंडिंग आइटम है। सेजवान पीनट कोटिंग किया हुआ है, सेजवान कोटिंग है, इनसाइड पीनट है। क्या बात है। ओके, तो एक उसको ब्रेक करके देख ले। हाँ देखिए, ये देखिए जरूर, ये अंदर से पीनट है लेकिन इसकी जो कोटिंग है वो सेजवान की कोटिंग है। ये सारे, और ये देखिए स्पेशल, मतलब ठीक है सर, ये नॉर्मल यूज होता है कि सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है? बहुत बहुत भाई, ड्रिंकिंग के लिए स्पेशल ही है, ड्रिंकिंग के लिए स्पेशल है। तो फ्रेंड्स अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी स्नैक है, फैंसी आइटम। बाकी ये सारे मिक्स डाले, इसमें ऑनियन वगैरह ऐड करके खाओ। ओके, बेल में ऐड कर सकते हो, इसे भी खा सकते हो। ओके, कुरमुरा वगैरह में ऐड कर सकते हो। ओके, फैंसी आइटम है। ओके, ट्रैवलिंग वगैरह में के लिए चटपट आइटम है। ओके, बहुत रनिंग आइटम है। ओके, क्या कॉस्ट है सर? क्या कॉस्ट है? 240 पर के जी। ओके, दिस वाज 320 रुपीज के जी। 320 रुपीज पर के जी। बोलिए, बाकी ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, गार्लिक का डाइट चकली, गार्लिक का डाइट चकली, मूंग दाल का है, गार्लिक का चकली है, इसमें ऑयल है, कड़ी पत्ता वगैरह सब मिक्स आएगा आपको, चटनी के साथ खाओ, सॉस मायनीज के साथ भी खा सकते हो। ओके, ये भी फैंसी है, कोमाई में कुछ बाद नवी मुंबई में किधर मिलेगा नहीं मोस्टली, मार्केट का फैंसी आइटम है सर। ये साउथ का आइटम लग रहा है? हाँ साउथ का ही है, बेस पूरा स्मॉल साइज है, साउथ में थोड़ा बिग साइज रहता है, इसमें वैसा रहता है। बाकी ये भी बहुत अच्छा है, ये कॉर्न पॉप है, मकई की बनी हुई है, ये हाँ एकदम जैसे पॉपकॉर्न टाइप, ये न्यू आइटम है, कौन की बनी हुई मकई का फैंसी है। ये देखिए कॉर्न पॉप, ये भी डिफरेंट है, इसमें ऑयल वगैरह इतना नहीं आएगा, चिल्ड्रंस लोग के स्पेशल एकदम लाइट है, ये लाइट वेट है, क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगा, पॉपुलर में ज़्यादा काफ़ी आएगा। क्या कॉस्ट है सर इसका? ये 60 रुपीज पाओ। ओके, ये बोले तो 240 पर के जी ये वाला। ओके, दिस वन 220 रुपीज, ये 240 रुपीज के जी। ओके, 60 रुपीज पाओ। ओके, ये भी है, बाकी ये आएगा चीज़ बटर चकली। ओके, चीज़ और बटर दोनों साथ में, बच्चों का फेवरेट आइटम है। अच्छा, चीज़ बटर और बेस जो है मूंग दाल का। अच्छा, ये भी फैंसी आइटम है, हेल्दी है, हाँ बेसन वगैरह नहीं है, हेल्दी है, कोई भी खा सकते हो, बड़े वगैरह चल रहे, एजेड सिटीजन वगैरह के लिए भी खा सकते हो। ओके, ये साउथ इंडियन बनाना जी, ये तो फेमस है कर रहा है, ये हमारे गांव का ही है, साउथ इंडियन बनाना। ओके, इतना पतला स्लाइस है, सॉल्ट भी ज़्यादा। सर मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जो बनाना चिप्स है वो कौन से ऑयल में आप फ्राई करते हैं? ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का रहता है, कोकोनट ऑयल का नहीं, क्योंकि कोकोनट ऑयल का रहता है ना उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है, 1 वीक ऊपर स्मेल आने लगता है, मतलब उनको जल्दी कंज्यूम करना है, उसमें बहुत ज्यादा करके रेडनिंग वाले मार्केट में ही चलेगा आपको। डिपेंड ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का बनता है, पॉम ऑयल का नहीं है। ओके, पॉम का नहीं है? नहीं, सबका 2 मंथ लाइफ है, कोई भी स्नैक्स पॉम का नहीं आएगा। ओके, बाकी ये कोलकाता चूड़ा हमारा, भाई हैदराबादी कोलकाता चूड़ा है, यूपी टेक वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, यूपी के नॉर्थ मुंबई साइड वाले, एमपी साइड वाले ज़्यादा खाते हैं, फैंसी आइटम है। ओके, ऑयल है लेकिन टेस्ट अच्छा है इसमें, ऐसे भी खाओ, कुरमुरा में डाल के खाओ तो भी चलेगा। जी जी, बाकी अलग वेराइटी है ये साउथ इंडियन गार्लिक। ओके, ये साउथ का गार्लिक है, मद्रास मिक्सचर बोलते हैं उसको, मद्रास मिक्सचर। हाँ, इसमें गार्लिक वाला मैंगलोर मिक्सचर आता है, ये वही दैट वन मैंगलोर मिक्सचर। अच्छा, ओके, मैंगलोर मिक्सचर तो मैंगलोर मिक्सचर स्पाइसी आता है। अच्छा, टेस्ट करके देखिए, एकदम प्योर बेसन का आएगा, ये मैंगलोर मिक्सचर है, प्योर बेसन मैंगलोरी मिक्सचर, क्वालिटी बढ़िया आएगा। करेक्ट, हमने ब्रांड्स के तो काफ़ी देखे हैं। ओके ओके, कंपनी का अलग अलग आता है, हम लोग का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर हम लोग का ही है। ओके, बाकी मसूर की दाल, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट खुद मैन्युफैक्चर है और इनका खुद का ही रिटेल है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा बहुत अच्छा प्राइस का और एकदम फ्रेश चीज़ें, ये सामने मैं जो भी खा रहा हूँ वो
एकदम फ्रेश है, हालांकि देखिए खुली पड़ी है, कोई भी फ्रेश है एकदम, कोई सब क्वालिटी बढ़िया आएगा और गरम गरम मिलेगा जी एकदम। तो कचौरी वगैरह भी देख, ओके कचौरी बाकरवाड़ी, ओके तिल रोल, ये भी ये डिफरेंट है, ये बटर कचौरी मूंग दाल का बना है, ओके महाराष्ट्रियन स्नैक्स कहा जा सकता है, ये कॉमन है बॉम्बे से है, सभी खाओ, दही के साथ भी खा सकते हो। और बाकरवाड़ी स्पेशल, बाकरवाड़ी स्पेशल है मूंग दाल का आता है, ओके ये जो बेस जो है मूंग दाल का, बटर बाकरवाड़ी बोलते हैं उसको, ओके क्वालिटी बढ़िया है, फैंसी आइटम है। तो देखिए बाकरवाड़ी में फ्रेश आपको साइज बहुत मिल जाएगा, बट अभी फिलहाल एक ही साइज है हमारे पास। अच्छा बस इधर ही ले लीजिए, सीधा यहाँ पर ये ब्लैक पेपर चना है, ओके इसमें आप ऑनियन वगैरह ऐड करके भी खाओ, इसे खाओ, इसमें आपको पहले तो छिलका नहीं आएगा आपको। अच्छा हाँ, ये ब्लैक पेपर का चना है, जो चना नॉर्मल चना है तो उसमें ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ, ओके क्योंकि फैंसी आइटम है। ये चना कुछ जोर गरम, चना चपटा गया हुआ, बिल्कुल सर आपने ये चीज दिखा के हमारी बचपन की यादें ताज़ा कर दी, बचपन की जो चपाटी वगैरह मिलता था वही है, जी जी बिल्कुल बचपन की, इसमें कांदा नींबू डाल के भी खाओ, ऐसे भी खा सकते हो, ड्रिंक के साथ बेनिफिटेड है। हाँ ये फैंसी आइटम है, ये अपना ग्रोसरी का काबुलेशन है, ओके चिली फ्लेक्स ऐड, चिली ऐड किया हो, कश्मीरी चिली पाउडर था उसमें ऊपर स्प्रिंकल किया हो, तीखा मीडियम स्पाइसी, ओके ऐसी आइटम है सर, ड्रिंकिंग के आइटम है स्पेशल, ओके अलग अलग ये मूंग की दाल, ओके ये अपना नॉर्मल हल्दीराम क्या है, उसकी क्वालिटी बढ़िया है, स्मॉल साइज है जी, कंपनी का जड़ा है, खाने में भी अच्छा सॉल्टेड आएगा थोड़ा, ओके सॉल्ट आएगा तो ही टेस्ट अच्छा आएगा, छोटा दाना और अच्छा स्मॉल दाना है तो क्वालिटी बढ़िया है एकदम। तो ये हमारा फैंसी आइटम है जी, ये क्या चीज़ है सर ये? तो इसको गजक बोलते हैं एक्चुअली, राजस्थानी आइटम। अच्छा अच्छा, इसमें गुड़ सेंगदाना और पिस्ता तीनों मिक्स आएगा, ओके शुगर नहीं आएगा, ब्लैक जैगरी है, देसी का जैगरी आता है, यूपी का जैगरी आता है, ओके वो ऐड किया हुआ है इसमें, ओके वो जल्दी आइटम है, इसमें चिकी नहीं बोलते इसको गजक बोलते, चिकी हो गया शुगर ऐड होता है, इसमें जैगरी ऐड होता है, बहुत डिफरेंट है, ओके टेस्ट करके देखिए आप जी सर, एकदम बढ़िया आइटम है सर। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू 390 पर के जी, हेल्थ के लिए ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के लिए अच्छा है, मॉर्निंग में खाओ, प्रेगनेंसी लेडी लोग के लिए भी बहुत अच्छा है चीज़ है, ओके हेल्दी आइटम है, पूरा जैगरी का बना है, शुगर नहीं है, कोई भी खा सकते, कोई भी खा सकते हो, ऑल पॉप ऑल मैन सब, 2 मंथ लाइफ है इसका, डोंट वरी। अच्छा इसको फ्रीजर में रखना है कि ओपन, विदाउट फ्रीजर को बेटर है एकदम, विदाउट फ्रीजर आप रख सकते हैं ऑल स्नैक्स विदाउट फ्रिज, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।